हे गाइस, वेलकम टू माय क्रिस्पी साबुदाना वड़ा। हम लोग ने चार घंटे पहले साबुदाना भिगो के धो के रखा था। चार घंटे के बाद अब इसको सॉफ्ट सॉफ्ट हो गए हैं। ये हम डालेंगे अब इसमें थोड़ा जीरा। हमने सिंगदाना में भी जीरा डाले हैं थोड़ा, और इसमें थोड़ा सॉल्ट 1 टेबल स्पून। और ये बॉईल करे हुए हैं बटाटे। हमने दो बड़े बड़े बटाटे लिए थे, बॉईल करने के लिए रख दिए थे, और अब इसमें अच्छा मैश करके इसमें डालेंगे। और इसको अच्छे से मिलाएंगे। ये चारों चीजें मिलके एक जान हो जाए डालेंगे। इसको अच्छे से मैश करेंगे ताकि नमक, जीरा, बटाटा मिक्स हो जाए। उसके बाद डालेंगे हम सिंगदाना। सिंगदाना फली हमने भून के पीस लिया था दरदरा, वो डालेंगे। उसको भी मिलाएंगे। इसमें हम पीसी हुई मिर्ची डालेंगे, हरी मिर्ची। आप ज्यादा तीखा खाते होंगे तो और ज्यादा डालिए, मैं थोड़ा कम डाल रही हूँ। और थोड़ी कोथमीर। उसको अच्छे से मिलाएंगे, मिर्ची कोथमीर को। अब ये मिल के हो चुका है। अब ये हम वड़े बनाने की तैयारी करेंगे। गोल गोल मैंने एक तरफ तेल रख दी है, और अभी एक तरफ मैं वड़े बनाने की तैयारी करूँ। ऐसा अच्छे से बॉल बनाने का, नहीं तो फट जाते हैं। अच्छे से हो गया है। इसको ऐसी गोल गोल टिकिया बना के हम अब डाल देंगे तेल में। ठीक है, ऑयल गरम हो चुका है। अब मैं फ्राई करने के लिए डाल दूंगी। पहले फर्स्ट वड़ा डालने के टाइम पे अपन गैस को हाई टू लो फ्लेम करेंगे। वाले से जैसा ये बबल्स कम हो जाएंगे लो करेंगे। जैसे ही ये बड़े बबल्स कम हो जाएंगे लो फ्लेम पे स्लो आंच पे तलेंगे, हम लोग फ्राई करेंगे।
हम लोग उधर तले जाएंगे, फ्राई हो जाएंगे, तो हम लोग दूसरे की रेडी करते रहेंगे, दूसरे वड़ों की अच्छे से प्रेस करना क्योंकि वो फूट जाते हैं कभी कभी। अब ये रेडी हो चुके हैं, देखो वड़े हमारे क्रिस्पी क्रिस्पी क्रंची क्रंची, देखो कितने कड़क क्रिस्पी क्रिस्पी है और फ्राई हो रहे हैं। शेयर करें, लाइक करें, शेयर करें, आप भी ट्राई कीजिए, कमेंट कीजिए। बाय, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे।